जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉप 35 क्वेश्चन हैं, एसपीडी जीके हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 20, जो है प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है। किस विटामिन की कमी के कारण जो है मनुष्य के शरीर में खून का थक्का नहीं बनता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के की कमी के कारण जो है मनुष्य के शरीर में खून की थक्का नहीं बनता है, जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टेपीडियम। स्टेपीडियम जो है शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडल ने अपनी आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था। मेंडल जो है मेंडल अपनी आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मटर के पौधे पर जो है मेंडलीफ ने अपनी आनुवंशिकता का प्रयोग किया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने रखा था। भारत की जो है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने रखा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी स्थानांतरित की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी। देखिए गुप्त शासकों की जो है राजभाषा क्या थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। ये जो है गुप्त शासकों की राजभाषा संस्कृत थी, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए विश्व में जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन जो है विश्व का कपास का उत्पादक करने वाला सबसे बड़ा देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है। देखिए भूकंप को जो किस यंत्र से मापा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि चैतन्य स्वामी का जन्म किस राज्य में हुआ था। चैतन्य स्वामी जो है उसका जन्म किस राज्य में हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में चैतन्य स्वामी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हंटर कमीशन की। हंटर कमीशन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमीशन की नियुक्ति की गई थी, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। देखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7। अब पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तानसेन का मूल नाम क्या था। तानसेन का जो है मूल नाम क्या था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामतनु पांडे। तानसेन का जो है मूल नाम रामतनु पांडे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है। देखिए रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि रोजर फेडर किस देश के खिलाड़ी है।
रोजर फेडर जो है किस देश के खिलाड़ी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड। रोजर फेडर जो है स्विट्जरलैंड देश की खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आई डेयर किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी किरण बेदी। किरण बेदी की जो है आइडियर इनकी आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हर बार नए सिरे से बजट कौन तैयार करता है? देखिए हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, ऐसा ही वीडियो डेली अपलोड होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शून्य आधारित बजट। देखिए हर बार किए गए सिरे से जो बजट तैयार किया जाता है उसको शून्य आधारित बजट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अल्बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? अल्बरूनी जी है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में जो अल्बरूनी भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? देखिए स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त जो है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासनकाल कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अकबर। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण कला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मलेशिया। मलेशिया जो है विश्व में टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि शेरशाह का मूल नाम क्या था? शेरशाह का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी फरीद खान। फरीद खान जो है शेरशाह का मूल नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के अधीन हो गए? देखिए कि किस संधि के बाद जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के अधीन हो गए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बेसिन की संधि। बेसिन की संधि जो है बेसिन की संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय जो अंग्रेजों के अधीन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का बाहरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का जो है बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट। पृथ्वी का जो बाहरी भाग क्रस्ट कहलाता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा जो है हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है और मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं और रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंदिरा गांधी के बचपन का क्या नाम था? इंदिरा गांधी के बचपन का क्या नाम था? इंदु या प्रियदर्शी? देखिए इंदिरा गांधी के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए जो है इंदु या प्रियदर्शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहलाता है। देखिए जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1921। जनसंख्या का जो है महाविभाजन वर्ष 1921 कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत सरकार जो स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन में किस सरकार की पार्टी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लेबर पार्टी। ये जो है ब्रिटिश में लेबर पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में भारत जब स्वतंत्र हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये जो है बिहार मेमोरियल कहाँ स्थित है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। बिहार मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कोलकाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नगीना मस्जिद, देखिए नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आगरा। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विश्व रेखा, देखिए विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती, लंबवत पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इक्विनक्स। इक्विनक्स कहते हैं। देखिए विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती है तो उसे इक्विनक्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये जो है डीसीएम ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मुद्रास्फीति की दर में गिरावट के वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्रगति इन लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुद्रास्फीति की दर में गिरावट के वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ये घटता है। देखिए मुद्रास्फीति की दर में जब गिरावट होती है तो वस्तुओं के मूल्य में प्रभाव क्या पड़ता है? तो उसका भाव घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, देखिए भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1935 में, और किसके द्वारा पारित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश संसद द्वारा। देखिए भारत सरकार अधिनियम जबकि 1935 में लागू हुआ, किसके द्वारा पारित किया गया? तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि देखिए शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खुर्रम। खुर्रम जो है ऑप्शन नंबर सी जो है खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विष्णुगुप्त के नाम से कौन जाने जाते हैं? देखिए विष्णुगुप्त के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। विष्णुगुप्त के नाम से चाणक्य जाने जाते हैं और एक कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ प्रगति इन लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो लाते हैं। जय हिंद जय भारत।